जमाने में कहां टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साई बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साई आया है तेरे दर पे सवाली, दर पे सवाली आया है दर पे सवाली, सवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। Da 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 da
Let's go.
अजित मुंहिंजो राम आयो संत नेणूराम आयो अजित मुंहिंजो राम आयो साईं नेणूराम आयो दुखियुनि जो दातार आयो जे प्रोग्राम में आया था उन्हें सभी ला तां दिल के गहराई से ताजा थोराए तायो असी फंक्शन के स्टार्ट करना जी सबका पहरी एकड़ी रिक्वेस्ट आया था गालांड बंद कयो प्लीज ब्रीफ कंदोला का प्रोग्राम में चाचा आए और उनके इंपॉर्टेंस चाहे अजी पान गद थाए हो तो उन्हें छाजे करे गद थाए वो सबका पहरी इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर असा यो इनिशिएटिव यंग सेवा मंडली तरफा वरतो हो एंड असा यो दो साल जे थोड़ो वधिक सुठे नमूने अरेंज करण की कोशिश कई आ इन प्रोग्राम में असा जा जो परफॉर्मेंस है वो स्पीच डांस ग्रुप डांस एंड सिंगिंग चार कैटेगरी है ठीक है उन चार कैटेगरी में पार जेको तांजे सामू परफॉर्म कंदा उनन जो कॉन्फिडेंस लेवल
मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त नंढिड़ो हिकिड़ो ब्रीफ जेको एज वाइज ग्रुप वाइज ॿुधायां हिन जेको प्रोग्राम आहे हुन अंदरि 52 पार्टिसिपेट आहिनि 52 हुन 52 में एज ग्रुप वाइज 1 खां 5 सालनि जे ॿारनि में 9 ॼणा आहिनि असां वटि जेको परफॉर्म कंदा 6 खां 9 जे विच में 20 ॿार आहिनि 10 खां 12 जे विच में 15 13 खां 18 जे विच में 8 आहिनि टोटल 52 आहिनि ऐं टोटल परफॉर्मेंस जेको आहे असांजी 52 जे असां 40 परफॉर्मेंस आहिनि तव्हां जजनि खे रिक्वेस्ट आहे सभ खां पहिरीं मां इंट्रोड्यूस कराईंदो हलां त अॼु जे हिन कार्यक्रम में जो जज करे रहिया आहिनि सभ खां पहिरीं श्री रवि मुरला हिकु बार तारियूं थी ॾियनि रवि जे लाइ तारियुनि में बिल्कुलु कंजूसी न हुजे नंदलाल टेक्चर नंदानी हिकु बार तारियूं थी ॾियनि नंदलाल जे लाइ साईं श्री मूलचंद मानकानी हिकु बार तारियूं थी ॾियनि मानकानी साहिब जे लाइ तारियूं बिल्कुलु कंजूसी में अचे साईं रेवाचंद केवलानी ऐं लास्ट असांजा यंग हेमंत साधवानी थैंक यू वेरी मच सर जस्ट जजनि खे मां ब्रीफ कंदो हलां त जेको तव्हांखे स्कोर हिकु शीट ॾिनी वई आहे तव्हां एज जे हिसाब सां हुन ॿार खे जज कजो जेको रेटिंग तव्हांखे ॾिनी आहे 1 खां 10 जे विच में 10 सभिनि खां सुठो पोइ तव्हांजे अकॉर्डिंगली तव्हां हुनखे एज जे हिसाब सां हुनजो कॉन्फिडेंस जज करे सघो था जस्ट असां प्रोग्राम खे स्टार्ट कंदासीं हिकिड़ो तारियूं थी वञनि असां सभिनि जे लाइ तव्हांखे इंट्रोड्यूस करे छॾियो त हिन जेको प्रोग्राम खे अरेंज कयो हुन सभ खां वधीक जेको महिनत आहिनि मुंहिंजा ॿ साथीदार आहिनि सूरज प्लीज कम ऑन द स्टेज सूरज वांकवानी ऐं स्टार्ट कंदासीं असांजी प्रार्थना सां सो हुनजे लाइ अची रहियो आहे कार्तिक दौलत मेघानी जेको सिंगिंग कैटेगरी में आहे कार्तिक जंहिंजी उमिरि 8 साल आहे प्लीज कार्तिक वेलकम ऑन द स्टेज तारियूं थी वञनि हिकिड़ो पापा जो नालो दौलत कुमार है क्यों ऐसा चिंता करते हो किससे वैरा डरते हो कौन तुम्हें मार सकता है आत्मा न पैदा होती है न मरती है जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा अच्छा होगा जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है तुम भूत का शौक न करो भविष्य की चिंता न करो वर्तमान चल रहा है तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया न तुम कुछ लेके आए जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं पर दिया जो लिया इसी परमात्मा से लिया जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था परसों किसी और का हो जाएगा तुम इसको अपना समझकर मगन रहो यही तो तुम्हारे दुखों का कारण है परिवर्तन संसार का नियम है इसको तो मृत्यु समझते वही तो जीवन है तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो विचार से हटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो ये जल मिट्टी धरती आकाश वायु उन सब का दिया हुआ है और इसी में मिल जाएगा बोलो श्री संत नेनुराम साहेब की जय कार्तिक लाल ताड़ में जाऊं कंजूसी है असा जी बी परफॉर्मेंस है उन जे लाए सिंगिंग कैटेगरी सागी हेनल दीपक अंधानी जेको जिनी उम्र सिर्फ 5 साल जी आ जेको तांगे एक गायत्री मंत्र बुझाइंदो ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् छोटी सी हूँ लेकिन बड़े काम की मानी जाती सदा समय के पाबंद में रखना मैं सिखलाती हूँ कभी जेब में पड़ी ढुमकती कभी कलाई पर बन जाती कभी मेज पर बैठ ठाठ से टिक 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 राग सुनाती छोटी सी हूँ लेकिन घंटा करके ऊपर केवल घड़ी हूँ थैंक यू असाजी अगी जेको परफॉर्मर आए उन नालो हेनिल मुकेश अंधानी जेको सिर्फ 3 सालन जी उम्र आ जेजी सिंगिंग कैटेगरी में 3 सालन जी उम्र आ उन्हें तांके गायत्री मंत्र बुधाई
नाड़ी दी ना निकट वो नंदी जी लाए तीन साल की उम्र आने तीन साल जो नंदड़ो आयो निजा चंद्र कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट इनका वो असान जो अग्यू पार्टिसिपेट है सिद्धांत सूरज वांकवानी जेको पंजी तकरीर पेश करो सन्त श्री नेणुराम के बारे में ताड़ू थी ना एक दफा सिद्धांत था जिनकी 9 साल की उम्र है स्टाइलिश बॉय सिद्धांत ओवरटेक मैन संत नेणुराम साहेब की जय। संत नेणुराम कितने बड़े महात्मा थे ये हम सब जानते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान और गरीबों की सेवा की और अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। संत अपने आश्रम में आए हुए भक्तों की खुद सेवा करते थे। उनके खाने के लिए घर घर जाकर अनाज मांगते थे। संत किसी अमीर गरीब जात या नस्ल का फर्क नहीं रखते थे। संत नेणुराम हम सब के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हम संत की आरती तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी सिखाई हुई बातों पे अमल कर रहे हैं? क्या हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम लोगों के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? क्या हम खुद की ज़रूरत से पहले दूसरों की ज़रूरत का विचार कर रहे हैं? नहीं, मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हमारे संत सादगी में रहते थे, क्या हम सादगी में रहते हैं? हमारे संत मांस मच्छी को छूते भी नहीं थे, क्या हम ऐसा करते हैं? हमारे संत पूरा दिन भगवान की सेवा करते थे और उनको याद करते थे, क्या हम अपने दिन का आधा घंटा भी भगवान को देते हैं? हमारे संत इतना ज्ञानी होने के बाद भी खुद को कभी बड़ा नहीं समझते थे। हमें संत के नक्श कदम पर चलना चाहिए और उनकी सिखाई हुई बातों पर अमल करना चाहिए। स्वयं विचार कीजिएगा। जय संत की। अच्छा सिद्धांत दियो छोकरे तकलीफ तो कई पर छा हने गालिन ते तू हली तो या सूरज। अच्छा पांच सबन लागड़ो क्वेश्चन मार्क आ सूरज लाकाने जेको मेले ते वा गत आयो या जे मौके ते ओने जो यूज जेकरी सही पाण उनमा को सुठी गालु नखणो तो ओने कोई मतलब काने। सो सिद्धांत थैंक यू ताड़ी दी ने एकदो सिद्धांत लाए जेको इनका विचार पेश किया। उनका वो असानी अगली परफॉर्मर आ जेको लास्ट ईयर जी विनर हुई जिनो नालो है महक हरीश मुरला जो तक लाइफ थॉट के बारे में बुधाई अरड़ साल की उम्र है महक जी ताली दी एक दफो। हेलो दिस इज महक आऊँ तक थिंकिंग डिफरेंसेस जो पेरेंट्स बार विच में हूँ उनके बारे में कुछ बुधाई थे। अब मुझे रास्ता दिखाते हैं, मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे किस तरह से जीना है अब मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। क्या यही बात हम आप सारे पेरेंट्स ने कभी ना कभी अपने लाइफ में तो एक्सपीरियंस की ही होगी? ऐसा क्यों होता है? हम कुछ ऐसा ना ऐसा कह ही देते हैं जो एक दूसरे को बुरा लगता हो, सैड करता हो, हर्ट करता हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोच बहुत अलग है। आप पेरेंट्स पास्ट में जीते हैं तो हम बच्चे फ्यूचर में, आप सोचते थे कि तब ऐसा होता था और हम सोचते हैं कि आगे ऐसा होगा, और यही सोच हमें अपने आज में जीने नहीं देती। आप पेरेंट्स खुद से एक सवाल कीजिए, क्या आपके तब में मोबाइल फोन इतने यूज में थे? क्या टेलीविजन हर घर में मौजूद थी? क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतने इजीली अवेलेबल थे? स्विगी और जोमेटो का नाम तक किसी ने सुना था? ऑफ कोर्स नॉट। पर क्या ये सब चीजें हम आज यूज नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं, या यूं कहें कि इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो सोच वही क्यों? क्यों टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन चाहिए आपको? सोच वहीं पे रखनी है। क्यों लड़कियों को खाना बनाना आना ही चाहिए? क्यों बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ही बने? क्या हमारे पास आज और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है? वहाँ पे आप बच्चे या तो फुल गोल पे फोकस्ड हो या तो सिर्फ टाइम पास पे। अरे ग्रो अप गाइस, तुम लोग को ये समझने की जरूरत है कि ये उम्र है अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनके एक्सपीरियंसेस सुन के कुछ सीखने की। कुछ ऐसी बातें जो हमें हमेशा फॉलो करनी है या कुछ ऐसी चीजें हमें कभी नहीं दोहरानी है। अगेन मार्क्स का रोल इम्पोर्टेंट होता है, बट इतना नहीं कि आपका कैरेक्टर डिफाइन करे। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे ले जाइए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, बट उनका ऐसा दोस्त बनकर जो उनकी गलतियों पे डांटता कम और समझाता ज़्यादा है। जिनको एक बार मार्क्स कम आए तो चलेगा, बट बच्चे का कैरेक्टर अच्छा ना हो, वो इंसान अच्छा ना हो, उसकी आदतें अच्छी ना हो तो नहीं चलेगा। आज जब कंपनीज में जॉब्स ऑफर होती है
तो कंपनीज ऐसे ही कैंडिडेट को चूज करना चाहती हैं जिनके पास डे टू डे यानी कि आज की इंफॉर्मेशन भी हो और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो, ना कि उन्हें जिनके पास इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ हो। कभी सोचा कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्हें आगे जाना है, उन्हें प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, तो उन्हें ऐसे किसी की ज़रूरत है जिसके पास नॉलेज हो और उसे सही वक्त सही जगह पे अप्लाई भी करना आता हो। और हम अगर ऐसा सोचें कि हम कंपनीज में जॉब के लिए खड़े उन्हीं कैंडिडेट्स की तरह हैं जिनके पास या तो सिर्फ नॉलेज है या बड़ों के पास सिर्फ एक्सपीरियंस, पर अगर हम लोग यूं ही अलग अलग चलते रहे तो क्या सक्सीड करेंगे? क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे? नो, नेवर। हम लोग को साथ में चलने की ज़रूरत है। फ़र्क या ये नहीं पड़ता कि पेरेंट्स बड़े हैं तो उन्हें जीने का सही ढंग पता है, या हम बच्चे हैं तो हमारे पास सिर्फ नॉलेज ही है। फासला यहाँ उम्र का नहीं, फासला यहाँ सोच का पड़ता है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। थैंक यू। ताड़ियों की ना जो अजय थॉट ला महक प्रेजेंट कही। महक लास्ट ईयर की विनर हुई, जो हर बार कुछ अलग टॉपिक खड़ी दिया। थैंक यू वेरी मच महक। एडा कानू एडा सागे विनोद घुरले के कौन मिले टोकन? कूपन खत्म थी वन बाकी है ना? जेको अचन पे उन्हीं के रही है। राजा क्योंकि नंडे बाहर के सब टोकन पहले टोकन असा लकी गिफ्ट ला चलो अच्छा पहली टोकन असान जो पहली गिफ्ट कलर है ऑरेंज, ऑरेंज कलर आ रहा अच्छा ऑरेंज में 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 42 द विनर इज 42 42 नंबर के लिए हो जाए 42 नंबर ऑरेंज 42 ऑरेंज गिफ्ट अच्छे भाई साड़ी दी ना एकदम विनर दिला 42 थैंक यू। तो असानी अटेंडेंस हाँ पूरी थी है, सब पार्टिसिपेट पहुंची हुए हैं, हाँ थोड़ो ध्यान दीदा उनका पो लानी जो ताके जो 5 साल की उम्र है जो असानी कंटेस्टेड है वो ताके ओम गणपति नमो नमः जो ताके बुधाई दी थे चालू रखना ताड़ू दी ने एक रात कोमल ला नो प्रस्तुत तवांखे अस्तुति बुधाइंदी सी ओम गण गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया राम नाम में लीन है दिक्कत समय राम आके पद बंधन करूं जय जय नैनुराम बोलो भाई जय जय नैनुराम बोलो सब नैनुराम साहिब की जय ताड़ियों सबने ताड़ियों क्योंकि कोमल ताड़ू थी ना निकलो कोमल लाल देखिए भी बाहर बैठा है अंदर बैंड कुर्सी अंदर देखिए भी वॉलंटियर बाहर बैठा है अंदर रहते हैं उनकी रिक्वेस्ट है और देखा पो असाजी अगी परफॉर्मेंस है जेको डांस परफॉर्मेंस है एंजल राजेश अंडानी अच्छा असाय ग्रुप डांस पब्लिक डिमांड अक्ष एंड आशुतोष केशानी जेको तांगे केसरी गाने दे डांस दिखाना प्लीज
ताड़ी देने के तो वो नहीं ड्रेसिंग है ना जोश के लिए सी
अच्छा एक इंपॉर्टेंट गाल इन जी परफॉर्मेंस में मु कमलेश के डिटो पे तो कमलेश ही अखियन में आंसू पे आ जाए जितना इमोशनल करे छी छोकरी कमलेश प्लीज एक दो कमलेश यो हकीकत है जो गालन जाला दसो चा ताड़ी दी ने गो छोकरे कमलेश के लाए थैंक यू कमलेश यार यार रुवारे जो लेवाना की गालन ना दी थैंक यू उनका वो असा जी अगली परफॉर्मेंस है मेहर सुनील मानकानी मेहर प्लीज जो ड्रेसिंग था दिसो शिव कुमार शिव साईं जो ड्रेसिंग आ ड्रेसिंग ना ताने रीजन का कितनी मेहनत थी उन्हें ड्रेसिंग के लिए
ताड़ियन में जा खर्च दे दो यार, इतनी नंदी चोगड़ी। थैंक यू मैक। अच्छा तांजला कुल्फी जो अरेंजमेंट कही है विनोद बोला तो उन्हें हम थोड़ा कम्युनिटी का बोल परफॉर्मेंस है भावेश सुनील सिंधी जी 6 साल की उम्र है देखो तांके प्रार्थना बुधाई दो भावेश भावेश सुनील सिंधी सुनील ला ताड़ी जो पान अच्छे भी हो स्टेज के ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट है मेहरबानी करे थोड़ो साइलेंट थी करे बुधो बाड़न के परफॉर्मेंस वधी कर एंजल राजेश अंदानी एंजल राजेश अंदानी अच्छा ताय बुदाय तो राजेश पांड कोरियोग्राफर तो राजा के किते राजा रा मेहनत के या चोकरी ता के ताड़ी दिलो राजा के लाए राजा ही मेहनत चलाए थैंक यू गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली 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 गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार में जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार ले Thank you.
हिक दबो अच्छा बाड़न में जोश का ताड़ू दिन हिक दबो जोश सा अच्छा अच्छा पोजीशन आ छको बन गाली अच्छा एक ओपन थी ने सबका पहरी घने टाइम का बैठा है तो सरप्राइज गिफ्ट जूसर मशीन अच्छे थी या ना उनसे लाए केर इंदो कोपन गटन गेला मते एक कोपन जेको सरप्राइज गिफ्ट इतनो टोकन खानो आ वेरी ऑनेस्ट अच्छा वरी ऑरेंज कलर ऑरेंज ऑरेंज कलर में इन्होंने जो नंबर है वो 40s में है 40 में नंबर है अच्छा पैरी भी 40 में है कोपन है 42 जो को लास्ट हो 42 प्लस 3 इक्वल टू 45 45 नंबर कोपन चेंज हो मुझे ताड़ू दिए ना गिफ्ट दो योगेश भाई 42 लेडीज ऑन पावर क्यों नहीं करा वो फोटो दी ने एक दम उठन जो थोड़ा कष्ट उठना तो सुठो लगनो प्लीज थैंक यू सारी अगली परफॉर्मेंस आ जेको स्पीच तकरीर है राजेश सॉरी राज नरेश जयसिंगा नरेश जयसिंगा ने ताड़ू थी ना निकला राज लगा 9 साल की उम्र है नहीं थोड़ा लेट एंट्री है पर ताड़ू थी ना राजेश लगा ताड़ू बिल्कुल नहीं हो चल उधर में पुट्ठा वाले के कुल्फी जल्दी दी दीने बा अपनी के विनती है वही राउंड प्लीज लगे ना मेरा नाम राज नरेश जयसिंगानी है मेरा आज का टॉपिक है पिताजी आपने माँ के बारे में बहुत सुना होगा मगर पिता के बारे में कुछ कम आज मैं पिता के बारे में 4 लाइन सुनूंगा ध्यान से सुनना पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा आसमान है पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं माँ ने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया लेकिन पिता ने हमें दुनिया देखना सिखाया माता पिता इस धरती पर भगवान का रूप है फूल कभी दो बार नहीं खिलते जन्म कभी दो बार नहीं मिलते मिलने को तो मिल जाते हैं बहुत कुछ मगर जन्म देने वाले माँ बाप माता पिता बार बार नहीं मिलते उत्तम कुल में जन्म लेने वाले महान नहीं होते लाखों करोड़ की कमाई करने से कोई धनवान नहीं होते पिता इस छोटे से सब में पूरा जहां बसता है पिता के बिना जिंदगी अधूरी है जिंदगी में पिता का होना जरूरी है पिता के साथ चलना सारे राह आसान हो जाते हैं जो चुक जाए पिता के शरणों में उनकी झोली कभी खाली नहीं होती थैंक यू ताड़ू थी ना निकल दबो अच्छा पहली दफा जो को हर बारे माँ जी तारीफ थी थी पहली दफा पिता ही तारीफ थी ताड़ू थी ना सब इंजल है थैंक यू नरेश एक लो अलग ता सब्जेक्ट खानी दिनों छोकरे के थैंक यू अच्छा उनका पो सांझो अगले परफॉर्मेंस है वीर योगेश वीजियानी जेको ताके वरी माँ जे बारे में बुधाइन दो वीर वीर योगेश वीजियानी आज का मेरा टॉपिक है माँ मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना पकड़
मुझको थाम लो, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी, भूल कर भी अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी, आई लव यू माँ। कॉम्बिनेशन जो स्पीच एंड डांस परफॉर्म कर कुल्फियूं खाईंदे खाईंदे जूसर जो मज़ो वठंदासीं, पाण हिकिड़ी वरी टोकन पाण चालू कंदासीं, टोकन जे लाइ सॾु कंदुसि स्मार्टी बॉय इन द मिडल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। लास्ट में बट जूसर एंड टेंशन नॉट, कलर चेंज थियो आहे, कलर इज पिंक, पिंक कलर जो जंहिं वटि हुजे पिंक कलर वारा। अच्छा ताड़न जी वधिक आवाज आई तो जूसर ही दीनो रे कोने मजो कोने ताड़ो ई तो जाए यार जूसर जी गाल कोने पुठा वाला बिल्कुल ताड़न बुधण में न दिए जे पुठा जी ताड़ी। थैंक यू पिंक पिंक जो नंबर आ 60 वाला 60 माइनस 6 54 54 नंबर चल रहा है प्लीज 54 नंबर 54 54 54 नंबर स्टेज पे अच्छा अच्छा आ गया आज के जो 54 नंबर राकेश अंदानी प्लीज। ताड़ू राकेश लाए एक थैंक यू कहानी जो ताके डांस जो चाहत रोहित शाणी प्लीज कम ऑन द स्टेज। ताड़ू थी ने एक दो चाहत जे लाए ताड़ो स्लो जोशा ताड़ू थी ने एक दो